नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूँ अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे। 27 अगस्त 2020 क्या कहते हैं आपको सितारे, आइए जल्दी से जानने का यह प्रयास करते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि और नाम राशि पर आधारित होगी। सूर्योदय होगा सुबह 6 बजे, सूर्यास्त होगा 6:43 पर। वार है गुरुवार, तिथि है शुक्ल पक्ष नवमी, योग है विषकंभ और राशि है वृश्चिक राशि 12:30 तक। फिर धनु राशि अभिजीत मुहूर्त है 11:56 से लेकर 12:14 PM तक। और रवि योग आज पूरे दिन बनेगा, राहु काल रहेगा 1:57 PM से लेकर 3:35 PM तक। ये था सुबह का संक्षिप्त पांचांग, या आपके शहर के अनुसार, आपके देश के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है। और जो भी लोग शुभ समय में शुभ काम करेंगे राहु काल में थोड़ी सावधानी रखेंगे, उनके काम बनते चले जाएंगे। अगर आज आपका जन्मदिन है, मैरिज एनिवर्सरी है, तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। अब हम बात करेंगे उन लोगों की जिनकी विशेष में बात करेंगे उन लोगों की जिनकी शादी नहीं हो रही है। कोई भी कारण हो, कैसा भी कारण हो, छोटा हो बड़ा हो, बड़े प्रयास किए, उपाय किए, फिर भी कुछ बात बन नहीं रही है, चाहे पहली शादी हो चाहे दूसरी शादी हो। 3 चीजें आपको चाहिए इस प्रयोग को करने के लिए। नंबर 1, राम सीता या सीता राम की फोटो या प्रतिमा, तुलसी का पौधा अगर हो तो बढ़िया, ना हो तो कोई बात नहीं, और तुलसी की माला जपने वाली, और इसके अलावा एक मंत्र जिसको आपको याद करना है। तो राम सीता की फोटो हो गई या मूर्ति हो गई, तुलसी का पौधा है घर पे तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, और एक तुलसी की माला। और जो चौपाई है रामचरितमानस की, या मंत्र कह लें चौपाई कह लें, वो ये है, सुन सीहे सत्य आशीष हमारी, पूज ही मन कामना तिहारी। इसको याद कर लीजिए। किसी भी विशेष और शुभ मुहूर्त में आसन वासन लेके बैठ जाइए अच्छी तरीके से, शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। प्रातःकाल या सायंकाल दोनों में से कोई भी एक वक्त चुन लें अपनी सहूलियत के हिसाब से। तुलसी सायंकाल में अगर करते हैं तो तुलसी जी के समक्ष भी दीपक जलाएं, और घर के मंदिर में भी जो भी है वहां पर भी दीपक जलाएं, या घर के मंदिर में दीपक जलाते हैं और वहां से आरती ले जाकर दीपक को घर के मंदिर में रख दें और तुलसी जी के समक्ष बैठकर इसको प्रार्थना करें। कैसे भी कर सकते हैं, भगवान श्री राम और सीता का आशीर्वाद लेते हुए आपको 108 बार इस मंत्र का जाप करना है तुलसी की माला से, और अच्छी तरीके से इसको याद करने के बाद शुद्धता का विशेष ध्यान रखेंगे। महिलाएं कर रही हैं, पीरियड से मासिक धर्म आती है, उन दिनों पर अवॉइड करें, बाकी फिर से शुरू कर दें जैसे ही सही हो जाते हैं। लगातार 41 दिनों तक करना है, 41 दिनों के अंदर आपका विवाह के बंद रास्ते खुल जाएंगे, या तो 41 दिनों में कहीं रास्ता तय हो जाएगा आपका शादी का, या फिर आपको कोई ना कोई अच्छी खबरें मिलनी शुरू हो जाएंगी। जब भी ये करें, धूप दीप बत्ती जलाकर शुद्धता के साथ, वातावरण अच्छा करके, साफ सफाई के साथ करें, भगवान का ध्यान करते हुए करें। अपने मन में कैसी मनोकामना है आपके वर या वधु की, वो मनोकामना ईश्वर को बताएं तो वैसा ही वर या वधु आपको अतिशीघ्र मिल जाएगा। सिंपल सा बिना खर्चे का उपाय है, थोड़ी सी मेहनत है, 41 दिन का धैर्य है। अगर आप लड़का या लड़की स्वयं नहीं कर सकते हैं किसी भी कारणवश, तो आपकी बहन या माता जी आपके लिए यह प्रयोग कर सकती हैं, उसका भी आपको लाभ मिल जाएगा। अब हो गई आज की विशेष की बात। विशेष के बाद मैं फिर आपसे ये कहना चाहूँगा कि जिन जिन लोगों को राजवर्त रत्न लेना है वो लोग जल्दी बुकिंग कराएं, क्योंकि बड़ी तेजी से रत्न हाथ से निकलता जा रहा है, यानी बुकिंग बहुत तेजी से हो रही है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, या आपको अपना फायदा देखना है तो जल्दी करिए, सोचिए विचारिए, लेकिन जल्दी करिए। राजवर्त रत्न जिसको चाहिए एल लिखकर दिए गए नंबरों पर मैसेज कर दें। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि के राशिफल की। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि की, यानी आपकी राशि अगर मिथुन है तो जानिए अपना राशिफल। आज जीवन साथी का सहयोग आपको हर क्षेत्र में मिलेगा। जीवन साथी आज आपका दिल जीत लेगा, आज दिन बहुत बढ़िया है। आज आप जीवन साथी का दिल जीत लेंगे या जीवन साथी आपका दिल जीत ले, बात एक ही है। रोमांटिक मूड होगा, प्यार में बढ़ोतरी होगी, दिल लेने देने की बात करेंगे, रूठे को मनाने की कोशिश करेंगे, खुद का और दूसरे का दिल बहलाने की कोशिश करेंगे, बड़े रोमांटिक एंड ऊर्जा से भरे होंगे। बच्चों की पढ़ाई लिखाई शानदार होगी, व्यापार में नई सोच, नया आइडिया या कुछ नया ढंग का निवेश करने का नया तरीका आप सोच सकते हैं।
आप अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे, जो सफल भी अवश्य होगा, लेकिन सट्टेबाजी से लाभ नहीं होगा। शेयर मार्केट में सावधानी रखें, सेहत भी ठीक रहेगी। भोजन करते वक्त सावधानी रखें, तला भुना बासी भोजन या उल्टा सीधा भोजन ना खाएं, पेट गड़बड़ हो सकता है। महिलाओं का सम्मान करें। व्यवसाय में बनाई गई योजनाओं को लागू करने से पहले एक बार जांच लें, क्योंकि आज का दिन बढ़िया है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। नौकरी में बिगड़ा हुआ माहौल आज सुधर जाएगा। बड़े दिनों से ऑफिस का माहौल बिगड़ा हुआ था, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे थे, लोग आपको समझ नहीं रहे थे, या आपकी बातों पर गौर नहीं हो रहा था, या हो सकता है आज कोई ऐसा व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाए जो आपको पसंद ना हो, या जिससे आपको परेशानी हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है। आज आप कुछ नया करने के लिए उत्सुक हैं, बच्चे कुछ नया करने के लिए उत्सुक होंगे, जोश होगा, जुनून होगा, कोशिश करेंगे कुछ नया कर दूं, ऐसा मजा आ जाए। ईश्वर आपके ज्ञान की बत्ती को आज जला कर रखेगा, और ज्ञान की बत्ती जहां जलती है वहां पर समझ लीजिए प्रकाश ही प्रकाश होता है, और जहां प्रकाश होता है वहां पर सब खुशियां होती हैं, क्योंकि दुख तो हमेशा अंधेरे में ही मिलते हैं। समय अनुकूल है, कोई गलती मत करिएगा, आज दिन का लाभ उठाएंगे। आज का दिन कुछ पाने का है, शिव जी की उपासना करिए, गणेश जी की उपासना करिए, भगवान विष्णु की उपासना करिए, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। गायत्री मंत्र का जाप करिए और बढ़िया हो जाएगा। और कोई परेशानी है दिए गए नंबरों पर संपर्क करिए। इसके साथ साथ राजवर्ध रत्न जल्दी से लेने के लिए संपर्क करिए, क्योंकि बड़ी स्पीड से यह रत्न निकल रहा है, लोग खरीद रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए। हरिओम, नमस्कार।